ऑपरेटर बाइक लेता वैर डालने का पूर्व प्रयास कर रहे थे लेकिन गोलकीपर चौकन्ना
समाप्तिकल जिसका प्रेक्षक मिलेगा बिरसानगर को और इससे पूर्व जो मैच लड़ाई के फिर हुई सॉरी रंगा स्पोर्टिंग जसपुर और बदमाश ग्रुप चलिका के बीच में अब तक कमेटी के पास कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची है, इसलिए जी जो भी पेनल्टी शॉट करवाए हैं आप कमेटी तक कवर पहुंचा दें। गोंदी इससे पूर्व रंगा स्पोर्टिंग या फिर जलिया रंगा स्पोर्टिंग सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाइड हो चुकी है, बहुत शानदार। अब यहां पर और इस तरह से फिर से नगर के पास बॉल बराबर करने उतरी पुरजोर प्रयास यहां पर करते हुए और ये भी घुसे करीब कर लेता हुआ और ये गाड़ी फोर्ड और लेकिन यहां पर जेटिया से क्लियर करने में अपना समझदारी दिखाया और इस तरह से सात नंबर बॉल को सेंटर लाइन के करीब करीब फिर से अपना लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए जरूर यहां पर बॉल को बढ़ाया और यहां पर अपने साथी को निहारते हुए और इस तरह से मिडफील्डर सात नंबर के लिए यहां पर कोई खिलाड़ी ऐसा मौजूद तो है लेकिन अगर एक खिलाड़ी को चकमा देने में कामयाब तो ये कुछ भी हो सकती है। अब भी बॉल जेटिया के पास और ये बहुत ही नजदीकी मामला हो सकती थी लेकिन यहाँ फिर से नगर इसे क्लियर करने में कामयाब और इस तरह से सात नंबर के पास बॉल और अपना साथी खिलाड़ी 21 नंबर के लिए पास और इस तरह से अपना राइट साइड डिफेंस के लिए पास और इस तरह से मिडफील्डर 11 नंबर के लिए लेकिन यहाँ पर फिर से जेटिया के पास बॉल और लेफ्ट साइड कॉर्नर के करीब करीब ये खेल लेकिन यहाँ मिडफील्डर छह नंबर फिर से सात नंबर के लिए बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फिर वही दिन लाया है जेटिया और इस तरह से सेंटर लाइन के करीब करीब ये खेल खेलता हुआ और तीन नंबर के लिए बॉल पास तीन ने फिर से सात को नौ ने फिर से यहाँ पर कुछ भी हो सकती है लेकिन गोल कीपर चौकन्ना और बहुत शानदार तरीके से बॉल को अपने कब्जे में लेते हुए लेकिन फिर से जेटिया के पास बॉल जेटिया के पैरों पर बॉल पांच नंबर के लिए पांच नंबर अपने साथी खिलाड़ी को तीन नंबर के लिए पास किया और इस तरह से फिर से यहाँ पर जगह बनाने का प्रयास करते हुए बढ़िया से उसको कराओ ठीक करो उसको आवाज आ रहा है ना क्लियर आवाज आना चाहिए देखो तो आवाज ठीक आ रहा है बाबू देखो अब बोलो अभी लोग का स्वागत करो बहुत दूर से आए बिरसानगर करो हेलो हर जगह अलग बात है लेकिन हम लोग को तो बढ़ावा देना है ना और यहाँ पर मौजूद जो टीम खेल रहे हैं फिर वही दिन लाया है जेटिया और एबीसी बिरसानगर बिरसानगर जो जमशेदपुर से बिलोंग करती है जीरो इसे जरूर पिछड़ी है लेकिन बराबरी कर सकती है यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर कॉर्नर का मौका मिला था और छोटे से किक के जरिए अपने साथी लगे मारा बहुत शानदार यहाँ पर हेडर के जरिए बस दिशा देने की जरूरत है और यहाँ पर मिली है डायरेक्ट शॉट और इस तरह से बराबरी घर बैठी एबीसी बिरसानगर बहुत ही दूर से सफर तय की और जरूर जीरो एक से पिछड़ी थी लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार वापसी
एक एक की बराबरी करते हैं। आप थोड़ी सी जोश थोड़ा भोगना भाई और हम उससे ज्यादा लगाएंगे क्योंकि अब बराबरी हो चुकी है। उसके बाद अब टीम को जिताना। इसी के साथ यह मध्यांतर का सिटी अभिनंदन स्वागत करती है और इस तरह से खेल का आरंभ। सात नंबर ने अपना चार नंबर जीत लिया था और इस तरह से सात नंबर फिर से। उसके बाद फिर फील्डर नौ नंबर के लिए, नौ नंबर एक दो खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास करते हुए, लेकिन यहाँ पर फिर से नगर काफी तेजी रफ्तार से नौ नंबर के लिए प्रेसिंग की, लेकिन यहाँ पर अच्छी कवरिंग जेटिया के द्वारा और अच्छा खींच गोल कीपर के द्वारा फिर से नगर के पास बॉल सेंटर लाइन के करीब कर लिए खेल खेलता हुआ और अपना राइट साइड फॉरवर्ड के लिए ये जरूर बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर उसे बॉल को अपने कब्जे में लेने में नाकाम रहा। फिर से 77 नंबर अपना लेफ्ट साइड फॉरवर्ड के लिए जरूर बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर फिर से बीस नगर के पास और यह मिडफील्डर के पास बॉल, लेकिन यह चिले चपटी काफी चल रही है और इसी तरह छेटे ने अच्छी क्लियरेंस दी और इस तरह से छेटे के खिलाड़ी अपना राइट साइड फॉरवर्ड के लिए जरूर किया। पांच नंबर काफी तेजी रफ्तार से बॉल को कहीं लेना चाहा, लेकिन अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर एबीसी फिर से नगर ट्राई का मौका यहाँ पर छेटिया और ये एकदम से राइट कॉर्नर के करीब करीब खेल खेलता हुआ, लेकिन यहाँ पर बिरसा नगर के खिलाड़ी अच्छा क्लियरेंस, लेकिन फिर भी छेटिया के पास बॉल, लेकिन यहाँ पर बिरसा नगर अपना बॉल को अपने कब्जे में लेने का पूरा प्रयास करते हुए, लेकिन यह छेटिया अपने पास बॉल को लिया अपना साथी खिलाड़ी नौ नंबर के लिए, यहाँ पर फिर अपना मिडफील्डर के लिए सात नंबर के लिए डायरेक्ट शॉट और उतना ही शानदार हेडर के जरिए इसे क्लियर करने में कामयाब एबीसी बिरसा नगर। फिर भी खतरा थली नहीं, अब भी बनी हुई है खतरा। जेटिया क्या करते हैं ये देखना है, लेकिन अच्छा क्लियरेंस फिर भी जेटिया के पास बॉल और इस तरह से सात ने दो को, दो ने फिर से चार को, जेटिया यहां से डायरेक्ट शॉट करने का प्रयास, बहुत शानदार शॉट, लेकिन यहां पर बहुत अच्छा चांस मिली है, फिर वही दिल लाया है जेटिया, ये डायरेक्ट पेनल्टी रेफरी महोदय का, ये डायरेक्ट पेनल्टी शॉट का इशारा और ये बहुत बड़ी गलती हुई एबीसी फिर से नगर। अच्छी वापसी जरूर की थी, लेकिन इस गलती की वजह से अब फिर वही दिल लाया है छेटिया अपना दो एक की शानदार वापसी के खारदार में। या हम ये देखना है, ये घर गोलकीपर और खिलाड़ी के बीच का ये खेल, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, डायरेक्ट शॉट पेनल्टी शॉट, सात नंबर तैयार छेटिया के और इस तरह से शॉट और शानदार गोल, बहुत ही शानदार और इस तरह से दो तो एक की बात ले ली, फिर वही दिल लाया है जेटिया ने और एक दो से पिछड़ती हुई यहां पर एबीसी भूषण नगर। आप में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से एक एक की बराबरी कर ली थी, उसी तरह ये सेकंड हाफ में आप दो दो जरूर कर सकते हैं। बहुत समझा यहाँ पर खेल की शुरुआत सिटी के साथ और इसी तरह डायरेक्ट आगे भी खेलना ही पसंद किया एबीसी भूषण नगर ने, लेकिन हेडर के जरिए इसे क्लियर करते हुए और इस तरह से छेटिया सेंटर लाइन के करीब करीब फिर से अपना साथी लाइन को पास, नौ नंबर फिर से पांच, पांच में फिर से आठ, लेकिन यहां पर बॉल एबीसी बिरसा नगर के पास, लेकिन यहां फिर से बॉल और यहां फिर से एबीसी बिरसा नगर के लिए खतरा और ये डायरेक्ट शॉट, लेकिन यहां पे खिलाड़ी तैनात रहेंगे बचाव पक्ष में और ये शॉट शानदार शॉट, लेकिन उतना ही शानदार बचाओ
बहुत शानदार दूसरे नगर के गोलकीपर और इस तरह से अब एबीसी विश्वनगर के पास बॉल और अपना साथी खिलाड़ी को बैक पास करते हुए वहां से खेल बनाने का प्रयास मैन डिफेंस फिर से लेकिन यहां पर अपना यहां पर लेफ्ट साइड डिफेंस के पास बॉल और इस तरह से ट्रॉइंग का मौका यहां पर छीटिया को और छठिया ने ड्रॉइंग की छड़ी बहुत अच्छा लेकिन अब विश्वनगर के पास बॉल जरूर थी लेकिन अब छठिया के पास बॉल सात नंबर और इस तरह से अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर ओबीसी विश्वनगर के द्वारा। इसके बाद चेन्नई एफसी और लोगन एफसी तैयार रहेंगे बिल्कुल से Well, we are having the match among the both team. फिर वही दिल लाया है जेटिया and ABC बिरसानगर. Now what we see that both of the teams and both of the teammates are playing so well and as they have already scored and they are on the way. And we can say see that each of the players are so careful to their games and how they are leading the match. That's something extraordinary. And both teams are very powerful and dynamic. They are giving their best. And we have and let me congratulate once again to the team ABC Birsanagar as they have come from the very far for the match. And they are giving their best. So we really we congratulate them from the bottom of our heart. As the match is so thrilling, so romantic. And again, the JTA team is in the leading. And again, the JTA scored once again. And good luck to them. And well done. मतलब कोई मेहनत भी नहीं कर रहा। ए बॉसो। And it's the referee's recalling to leaving the match. And now the ball is at the hand of ABC Birsanagar team and they are in the lead. Again it was a huge kick by the Birsanagar but the ball has been caught by the goalkeeper. Again he passed the ball and the ball is at the head of JTA. Again they are in leading. How wonderfully they are playing, they are so cooperative. And again what we see, they have scored. And the match is re-begin once again and it's the agreement.